हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्वीट ऑफ टिया। और मैं हूँ टिया। तो आप लोगों का रिक्वेस्ट मैं हमेशा रखने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोगों ने कहा था कि दिवाली से पहले एक दिवाली मेकअप लुक चाहिए, तो मैंने एक लुक क्रिएट किया है जिसमें मैंने दो वैरायटी में आपको दिखाया है। आगे जाके आपको पता चलेगा कि क्या है वो। और मैंने जो लुक क्रिएट किया है ये आप सलवार कमीज के साथ भी पेयर कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो साड़ी के साथ। और मैंने यहाँ पे क्रॉप टॉप लहंगा के साथ यहाँ पे ये लुक क्रिएट किया है। और ये जो ज्वेलरी है ये ऑफलाइन ज्वेलरी है, ये बहुत पहले का है मेरा और बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक ज्वेलरी है। और अभी बज रहा है सुबह के 7:30 और मैं ये मेकअप करके कहीं नहीं जा रही हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने ये मेकअप लुक अभी क्रिएट किया है। तो मैं इसको उतार दूंगी, इसलिए मैंने सिर्फ चूड़ा डाल लिया है क्योंकि इसके मैचिंग मेरे पास ज्वेलरी था, बट अभी टाइम नहीं है मेरे पास ज़्यादा, तो इसलिए मैंने चूड़ा डाल लिया है क्योंकि चूड़ा सभी के साथ बहुत ही अच्छा जाता है अगर आप न्यूली मैरिड हो। और यहाँ पे मैंने एक ये लहंगा के साथ, मतलब ये क्रॉप टॉप लहंगे के साथ, ये दुपट्टा नहीं था, बहुत ही लाइट सा दुपट्टा था। तो ये दिवाली मेकअप लुक है, तो मैं थोड़ा सा हेवी लुक देने के लिए एक हेवी दुपट्टा यहाँ पे बेज कलर का एक हेवी दुपट्टा यहाँ पे कैरी किया है। और यहाँ पे साइड पार्टीशन किया है, धीरे धीरे आप लोगों को वीडियो में पता चलेगा कि मैंने कैसे हेयर स्टाइल किया है विदाउट फाउंडेशन। बट ये ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ फाउंडेशन वगैरह कुछ ऐसा यूज़ नहीं किया है, तो ऐसा है मेरा लुक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेकअप करने से पहले ही आता है फेस को प्रेप करना, तो मैंने यहाँ पे टोनर पहले ही लगा लिया था। आप कोई भी टोनर आप यूज़ कर सकते हो जो आपके स्किन के ऊपर सूट करता है। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। ये मामा अर्थ का एक्वा जेल ग्लो मॉइस्चराइज़र है, एक्वा ग्लो जेल मॉइस्चराइज़र कुछ है, बहुत ही अच्छा एक मॉइस्चराइज़र है। थोड़ा सा महंगा है बट मैं बहुत पसंद करती हूँ। और इसके बदले आप पॉन्स का भी जो जेल एक बेस आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, और विंटर सीजन में आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक लिप मॉइस्चराइज़र, ये लिनेज का है। तो उसके बाद फेस जितना टाइम तक सेट होता रहेगा तो मैं इसको 5-7 मिनट दूंगी, और उसके बाद मैं करूँगी हेयर। तो हेयर मैं सबसे पहले करती हूँ, बट इसके पहले मैंने प्रेप कर लिया है, तो प्रेप करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है सेट होने देने में। तो उसी के टाइम पे मैं यहाँ पे करूँगी अपना हेयर। तो हेयर के लिए मैं बहुत सिंपल सा मैं बहुत सोचती रहती थी कि मैं हेयर के लिए क्या करूँ, बट दिवाली में हेयर खुला रखना भी अच्छा लगता है, बन बनाना भी अच्छा लगता है। बट मैंने कुछ ऐसा किया कि आप साड़ी के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, सलवार के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, एंड कोई भी आपका इंडियन आउटफिट के साथ ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छे से जाता है। और आप इसके साथ मांग टीका भी आप लगा सकते हो। तो मैंने क्या किया, सिर्फ मिडिल पार्टीशन किया। मिडिल पार्टीशन करने के बाद सामने का जो हेयर है वो हेयर लेके पीछे में एक रबर बैंड की मदद से वो सिक्योर कर लिया। यहाँ पे आप क्लिप भी यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे रबर बैंड यूज़ करती हूँ ताकि बहुत अच्छा सा एक नीट लुक दे और पीछे का हेयर ऐसे ही रहेगा। आप इसको स्ट्रेट भी रख सकते हो, आप इसको वेवी भी कर सकते हो, आप इसको कर्ली भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मेरा हेयर, मैं एज़ यूजुअल अब मैं हेयर टूल कोई यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे पास नहीं भी है भी नहीं, तो इसलिए मैंने कोई यूज़ नहीं किया है। तो ये मेकअप पे मैं विदाउट फाउंडेशन यूज़ करूँगी क्योंकि आप लोगों को पता ही है, मैंने बोल ही दिया है कि मैं सुबह 7 बजे मैं ये मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं सिर्फ ये मेकअप आप लोगों के लिए दिखाने के लिए ही मैं यहाँ पे करूँगी और कुछ नहीं है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ फाउंडेशन यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मेरा स्किन अभी बहुत ही अच्छा जा रहा है, टचउड कोई भी स्पॉट नहीं है। तो मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ करूँगी हाईलाइट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है मेबलिन का हाईलाइटर, ये 25 शेड नंबर है 25। तो यूजुअल एरिया पे मैंने आइज़ के नीचे, आइज़ के ऊपर और फोरहेड पे और थोड़ा सा कट देने के लिए यहाँ पे साइड पे चिन के नीचे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कंसीलर मैंने यूज़ कर लिया है। और इसको मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी एक ब्रश की मदद से। तो आइज़ को थोड़ा सेट होने के लिए मैं रखती हूँ हमेशा, और बाकी का जो है चिन, क्यूपिड बो, नोज, ये सब एरिया मैं पहले ब्लेंड करती हूँ और बाकी का टाइम अच्छे से करती हूँ। तो एक बात और यहाँ पे बता देती हूँ, तो मैंने यहाँ पे सुबह में किया है, तो आप टाइम जाते जाते आप यहाँ पे देखोगे कि पीछे से बहुत ज़्यादा धूप आ रहा है, तो उसके लिए मैं सॉरी पहले ही बोल देती हूँ, क्योंकि पीछे का लाइटिंग भी था, सामने का भी लाइटिंग था, तो बाद में थोड़ा सा पीछे का ब्राइट ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था।
क्योंकि बाहर का धूप बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको उसके बाद मैंने दिखा दिया, यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करके मैंने दिखा दिया कि मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया अपने कंसीलर को। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी लूज पाउडर। लूज पाउडर बहुत अच्छा है, अगर आप एक बार यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, मतलब कुछ ऐसा है, मैं तो बहुत पसंद करती हूँ। तो मेरा यहाँ पे शेड है 20 और मैं यहाँ पे जहाँ पे मैंने कंसीलर यूज़ किया है वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा करके मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, बाकी का मैं बाद में डस्ट ऑफ कर दूँगी क्योंकि मैं यहाँ पे अभी यूज़ करूँगी अपना आई शेडो, मैं अपना मेकअप आई मेकअप स्टार्ट करूँगी, इसलिए मैंने ज़्यादा करके लगा दिया है, कोई भी फॉल आउट हो तो मैं इजीली से उसको रिमूव कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे उसके बाद आईब्रोज अपना सेट किया है, तो आईब्रोज मैं करके आई थी, मेरा आईब्रोज अभी बहुत अच्छे शेप में है और मैंने बहुत टाइम लेके उस दिन मैंने आईब्रोज किया है और मेरा आईब्रोज बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे लॉरियल पेरिस का आईब्रो किट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और आप देख सकते हो मैंने इतना फास्ट फॉरवर्ड किया है फिर भी बहुत टाइम लगा है, मैंने बहुत टाइम लेके मैं यहाँ पे कर रही थी अपना आईब्रोज। आईब्रोज सेट करने के बाद पूरा फेस का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, अच्छा लगता है। और मैं बीच बीच का फिलअप करती हूँ, सॉरी बीच बीच का फिलअप मैं करते जा रही हूँ, बट ओवर आप ड्रॉ मत कीजिए, ओवर ड्रॉ करने से अच्छा नहीं लगता है, तो नेचुरल रखिए बट थोड़ा सा प्रोमिनेंट रखिए। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना जो क्रॉप टॉप का कलर है उस कलर के मैच के साथ मैं यहाँ पे एक आई मेकअप क्रिएट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट सा एक शेड लिया है जो अपना स्किन कलर के साथ भी थोड़ा सा मैच होता है, उसको मैंने आउटर लाइन एंड क्रीज में थोड़ा सा कलर दिया है और थोड़ा धीरे धीरे ब्लेंड करूँगी। मैंने यहाँ पे आई मेकअप करने के लिए बहुत टाइम लिया है बट मैं यहाँ पे बहुत फास्ट दिखा रही हूँ, कट करके भी मैंने दिखाया। उसके बाद उससे थोड़ा डार्क शेड लेके उसके पहले वाला जो शेड मैंने यूज़ किया है उसके नीचे मैंने प्लेस किया है पहले कलर को और ब्लेंड कर रही हूँ मैं। तो धीरे 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 आई मेकअप करना तो आई मेकअप बहुत अच्छे से आएगा। तो उसके बाद उससे भी थोड़ा डार्क शेड लेके मैं पूरे आई लिड में यूज़ करूँगी और पूरा एक जो ऑरेंज कलर का ही जो शेड है मैं तीनों शेड यूज़ करके मैं पूरा आई मेकअप यहाँ पे कर रही हूँ। मैं साइड बाय साइड दूसरे आई में भी कर रही हूँ और ब्रश में जो भी मेरा प्रोडक्ट रहता है मैं उसी से अपना लोअर लैश लाइन जो है लोअर लैश लाइन भी ड्रॉ कर लेती हूँ और उसके बाद मैं एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश के मदद से सभी जो कलर है एक साथ ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे और एक के साथ एक कलर जो है बहुत ही अच्छे से मिल जाए। एंड द सेम ब्रश के हेल्प से मैं थोड़ा सा डार्क कलर ले रही हूँ एंड आउटर लाइन पे एंड क्रीज पे थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए मैं वो शेड यूज़ कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा मतलब थोड़ा डेप्थ दिखे अपने आईज़ पे। तीनों कलर बहुत ही सिमिलर है, थोड़ा सा डार्क में है और इससे थोड़ा सा डार्क लेके मैं साइड में कर रही हूँ और नीचे में भी नीचे आईलैश में भी मैंने सेम कलर यूज किया है। उसके बाद मैंने एक ऑरेंज शिमर शेड लेके अपने फिंगर टिप के मदद से मैंने पूरे आईलिड पे लगाया है। शिमर शेड हमेशा आईलिड के फिंगर टिप के मदद से अगर आप लगाओगे तो ही अच्छा पे आउट जो है मतलब आपका जो कलर है वो अच्छे से खिल के आता है और मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कि कितना अच्छा आया है। ये अगर ब्रश के मदद से आप लगाओगे तो उतना अच्छा नहीं आएगा, फिंगर के जो वर्मनेस है उसके हेल्प से और जो प्रोडक्ट है वो मेल्ट होता है उस इसीलिए क्या होता है ना जो कलर है बहुत ही अच्छे से उभर के आता है। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा एक लुक आया है और पूरा जो मेरा पाउडर है मैं यहाँ पे डस्ट ऑफ कर रही हूँ ताकि कोई भी पाउडर्स ना देखे क्योंकि अभी मैं करूँगी फेस मेकअप, मतलब फेस मेकअप ज़्यादा बेस तो नहीं करूँगी बट जो भी है। और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लाइनर, तो मैंने यहाँ पे लिक्विड लाइनर यूज़ किया है, ये स्केच पेन मटेरियल में है और मैं ऐसे मतलब ऐसा पेन यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुविधा होता है। मैं थोड़ा सा विंग लाइनर क्रिएट कर रही हूँ, बहुत बड़ा विंग लाइनर नहीं, आपको अगर थोड़ा सा ज़्यादा विंग लाइनर क्रिएट करना है तो आप कर सकते हो, मैंने बहुत बड़ा नहीं है एंड बहुत छोटा भी नहीं है, मैंने उस हिसाब से किया है ताकि आई मेकअप भी अच्छे से दिखे और मेरे ड्रेस के साथ बहुत ही अच्छे से मैच हो रहा है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लोअर लैश लाइन पे काजल यूज़ किया है, ये नायका का काजल है, मैंने नायका का काजल यहाँ पे यूज़ किया है। उसके बाद मैंने एक फ्लैट ब्रश की मदद से एक आई शेडो पैलेट से ये ब्लैक कलर की जो आई शेडो है वो यूज़ किया है अपने लोअर लैश लाइन पे, तो काजल ताकि ना हटे और थोड़ा सा और भी डेप्थ
आए नीचे का लुक में, और मेरे लहंगा का जो कलर है वो ब्लू कलर में है, तो इसलिए मैंने एक ब्लू आई पेंसिल लिया है। सॉरी थोड़ा नॉइज़ आ रहा होगा, तो ब्लू आई पेंसिल से लेके मैंने लोअर लैश लाइन पे यहाँ पे यूज़ किया है, बट आप लोगों को शायद अभी समझ में नहीं आएगा, बट सामने से ये बहुत ही अच्छे से दिख रहा था। उसके बाद मैंने एज़ यूजुअल यहाँ पे मस्कारा यूज़ किया है मेबलिन का, तो आप यहाँ पे फॉल्सी भी यूज़ कर सकते हो, तो फॉल्सी अब मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया जस्ट बिकॉज मैं कहीं पे जा नहीं रही थी, बट मैं अगर कहीं पे जाती तो इस टाइम में मैं ज़रूर फॉल्सी यूज़ करती। फॉल्स लैशेस लगाने से आपका जो आई मेकअप है बहुत ही उभर के आता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ब्लश लगाया है वो सेम ब्लश पैलेट के मदद से, के वो आई मैजिक का ब्लश पैलेट से दो कलर मिक्स करके मैंने थोड़ा ऑरेंजी शेड और थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड मैच करके मैंने यहाँ पे ब्लश लगाया। उसके बाद हाइलाइटर, ये मेकअप रेवोल्यूशन का कंटूर ब्लश एंड हाईलाइट पैलेट है, तो ये पैलेट से मैं अपना हाईलाइटर यूजुअल एरिया में हाई चीक बोन्स पे, मैंने क्यूपिड्स बो, नोज, फोरहेड, आईब्रो के नीचे एंड इनर कॉर्नर पे मैंने यहाँ पे अपना हाईलाइट जो है हाईलाइट कर लिया है अपने फेस को बहुत ही अच्छे से। मुझे हाईलाइटर बहुत पसंद है, और उसके बाद आप कोई भी सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे कोई सेटिंग स्प्रे यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैंने प्राइमर भी यूज़ नहीं किया है। आप प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं कहीं पे जा नहीं रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, तो इसीलिए मैं मेकअप तो मतलब बहुत अच्छे से लॉन्ग लास्ट करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, और आप चाहो तो आप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हो। मैं सेटिंग स्प्रे उतना ज़्यादा पर्सनली उतना भी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ गर्मी के अलावा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे दो शेड यूज़ किया है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि न्यूड शेड देखना है, और किसी ने कहा था दिवाली, तो दिवाली में भी न्यूड शेड देखना है, तो मैंने सोचा कि इस लुक के साथ आप न्यूड भी ट्राई कर सकते हो, न्यूड लिपस्टिक एंड एक वाइब्रेंट लिपस्टिक भी ट्राई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे न्यूड लिपस्टिक ट्राई किया है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ पे ज्वेलरी नहीं लगाई है, तो आप लोगों को शायद लग सकता है कि नहीं, बट ये आप ज्वेलरी के साथ आप ये यूज़ करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये फेसेस कैनाडा का बफ न्यूड शेड है, इन द शेड 02 बफ न्यूड, तो वो शेड मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एक रेड शेड, ये है मेबलिन का हॉट चिली शेड, तो ये शेड भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। कोई भी शेड आप दोनों शेड यूज़ कर सकते हो। तो इसके बाद मैं ज्वेलरी पहन के बहुत अच्छे से सच के आऊँगी। देखिए आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिएगा अगर किसी को जरूरत है तो, एंड कमेंट कर दीजिएगा आगे आप कैसे लुक देखना चाह रहे हो, तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर काम करने की कोशिश करूंगी। तो मैं मिलती हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैप्पी दिवाली, बाय।